फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निशा कुकिंग मास्टर में स्वागत। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं दिखाऊंगी आज पनीर बनाने का अलग अंदाज, पनीर और दो प्याजा। तो दो प्याजा हम बनाएंगे, तो पनीर को हम किस तरह कटेंगे वो दिखाएंगे। हम इसी साइज में पनीर को काट लेंगे, ऐसे पनीर को ऐसे इस तरह से पनीर को हम काट लेंगे और ऐसे रख देंगे। और प्याज जो है हमें ऐसे काटना है, ऐसे लंबी लंबी करके काटना है। और कुछ प्याज है तो इस तरफ से हमने ले लिया है, तो दो प्याजा बनाएंगे। तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। सबसे पहले हमें कढ़ाई में खड़ा मसाला डालना है, तो मैंने ज़्यादा खड़ा मसाला नहीं लिया है। आप गरम मसाला भी इसमें पिसी हुई वो भी डाल सकते हैं, आपके घर में तैयार हुआ है पीस के रखे हैं आप वो भी। और इसमें बड़ी इलायची जो है इसका टेस्ट बढ़िया आता है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले घी डाल देते हैं, 2 से 3 चम्मच हम घी डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल का भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो हम सारे खड़ा मसाला जो है वो सब डाल देते हैं। इसको भूनने देते हैं थोड़ा। जैसे ही मैंने भून लिया मसाला को, जो प्याज कटी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हमें पकाना है। अब मस्टर्ड ऑयल की भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। प्याज को अच्छे से भून लेते हैं, फिर थोड़ा लहसुन को हम दरदरा पीस लेते हैं। लहसुन लिया है, लहसुन का बस ऐसे पीसना है, बस ऐसे दरदरा पीसना है, ज़्यादा नहीं पीसना है, ऐसे पीसेंगे लहसुन का सिर्फ। फिर पहले लहसुन का खुशबू आ जाएगा, फिर बाद में अदरक और हरी मिर्ची को भी हम ऐसे ही दोनों को पीस लेंगे। तो बस हो गया है, लहसुन को रख देते हैं। तो लहसुन को हम इस टाइम डाल देंगे जल्दी, और इसे अच्छे से भूनना है हमें, हल्की सी ब्राउन कर लेना है इसे। अदरक को हम ऐसे कर लेते हैं और हरी मिर्ची को भी। कुछ इस तरह से हमें कूटना है। इसमें प्याज हल्की ब्राउन हो गई है, इस टाइप का हो गया है, तो हम इसमें अदरक और हरी मिर्ची डाल देते हैं। फिर अच्छी से इसे भून लेते हैं। फिर हम 1 चम्मच मिर्ची डाल रहे हैं, आप कश्मीरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हल्दी 1 चम्मच इसमें डालते हैं। बस हो गया है, और इसे अच्छे से मिला लेना है। लहसुन को हमें अच्छे से पकाना था तो वो पका लिया, अदरक को हमने बाद में डाला। इसी तरह इसे 2 मिनट घुमा लेते हैं। इसे हल्की लो फ्लेम में हमने रखा था क्योंकि मसाला जल जाएगा, तो इसमें हल्की सी हमने पानी ऐड करेंगे। ऐसे हल्की सी पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि मसाला ना जले हमारा, तो मसाला को नहीं जलने देंगे। अभी फ्लेम को बढ़ा दिया है हमने, तो इसमें हम टमाटर भी ऐड करेंगे, लेकिन 2 मिनट ऐसे पका लेते हैं फिर हम ऐड करेंगे। प्याज जो है वो भूनने लगा है, तो हम इसमें टमाटर 2 कटी हुई ऐड कर देंगे। टमाटर जैसे डाल दिया हमने वैसे ही हमें नमक भी ऐड करना है, तो नमक ऐड कर लिया 2 चम्मच, अपनी स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। और इसे अच्छे से हम ऐसे घुमा लेंगे और हल्की सी पानी डाल के इसे ढक देंगे। हल्की सी पानी इसमें ऐड कर दिया हमने, अभी इसको ढक देते हैं। तब तक हम मसाला भी ऐड कर लेते हैं दही में। मैंने थोड़ी सी धनिया ले ली है, सौंफ ले ली है, जीरा ले ली है, इन तीनों को हम थोड़ा सा पीस लेते हैं। इस
मसाला मैंने पेस्ट किया वो सारे हम दही में डालेंगे। ये गरम मसाला डाल देते हैं इसमें और कश्मीरी मिर्ची डाल देते हैं जिसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इनको मिलाने के बाद हल्की सी गरम काली मिर्ची ले लिए हैं और हल्की सी मैंने सब्जी मसाला ले लिए हैं तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। अब देख लेते हैं हमारा टमाटर जो है और प्याज पक गया है कि नहीं। कितने अच्छे से टमाटर गलने लगा है हमारा ये, तो हम जो मसाला इन्हें रखा था बहुत सारे हम ऐसे ऐड करेंगे और जल्दी जल्दी ही हमें घुमाना है और ये फटेगा नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हमने जो मसाला डाला है दही में इसीलिए नहीं। इसको धो के हल्की सी पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से घुमा लेते हैं और इसे पकने देते हैं। मसाला को हम अच्छे से भून लेते हैं और इसे भूनने देते हैं। बहुत अच्छे से ये भून जाएगा, रेडी हो जाएगा, फिर तब तक हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी सी घी डाल रहे हैं, घी में जीरा और कलौंजी हम ऐड कर रहे हैं। इसको हल्की ऐसे फ्राई कर लेते हैं। साफ कड़ी पत्ता ले लिया है वो हम डाल देते हैं। फिर हम पनीर ऐड कर रहे हैं, इसमें सारा पनीर जो है इसमें डाल रहे हैं। अच्छी तरह से इसे ऐसे मिक्स कर लेते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। इसमें हल्की सी कश्मीरी मिर्ची हम डाल रहे हैं, हरी मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और हल्की सी हल्दी ऐड कर देते हैं इसमें। हल्की सी हल्दी और कश्मीरी मिर्ची हमने डाल दिया है, हल्की सी छोटी चम्मच से थोड़ी सी डाल दिए हैं। इसमें हरी मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें तीखा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हल्की सी धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इस टाइप से मैंने प्याज ले लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्की सी से रोस्ट करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। बाद जैसे हमने नमक डालना है तुरंत ही इसे उतार लेना है, प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस एक मिनट ही भूनना है। तो हमने नमक डाल दिया है तो इसे गैस बंद कर देते हैं और जो प्याज पकी हुई है सब्जी वो देख लेते हैं। देखिए हमारा जो मसाला इसका रेडी किया है हमने, कितना अच्छी से ये रेडी हो गया है। इसका तेल बिल्कुल छूट गया है, कितना अच्छी से ये बन के रेडी हो रहा है। प्याज बिल्कुल गल गया है तो हम सारा पनीर जो है इसमें ऐड कर देंगे ऐसे। इसे अच्छे से घुमा लेंगे ऐसे घुमा। दूध का मलाई है वो हम इसमें ऐड करेंगे। दूध का मलाई हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसे अच्छे से घुमा लेते हैं ऐसे करके। कसूरी मेथी लिया है, हल्की सी से रोस्ट करके हम डाल देंगे ऐसे। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। कितना बढ़िया लग रहा है और ये जब अच्छी बनके रेडी होता है तो मन में ही एक बहुत ही खुश नज़र आती है क्योंकि जब सब्जी है कोई कुछ चीज़ अच्छी बन जाता है ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसका जो ग्रेवी है प्याज तो कितना अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं इसको ऐसे है ना। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हम इसे प्लेट में दे देते हैं और दिखा देते हैं कितना अच्छा और बढ़िया बना है ये। अब मैं खोल के इसे दिखा देती हूँ कैसे बने हैं ये। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना टेस्टी बना हुआ है। अब घर में इसे ज़रूर आप ट्राई करिएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा ये, है ना। टेस्टी लग रहा है ना, बढ़िया टेस्टी।
सीधा रखना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।